हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ जरूर एक नए वीडियोज़ के साथ। आज हम सब लोग सीखने वाले फ़ोटोशॉप में किसी भी वाटर मार्क को कैसे रिमूव करते हैं। जैसे ये हमारे पास टॉप सीक्रेट दिया है, ये वाटर मार्क है, इसको हम कैसे रिमूव करेंगे। मैंने फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया है। यहाँ पे जो है एक लेयर का ऑप्शन मिलता है, अगर आपके सिस्टम में नहीं इनेबल है तो विंडो में जाके इसे इनेबल कर लेना। मैं फ़ोटोशॉप 0.7 यूज़ कर रही हूँ, आप जो भी यूज़ करेंगे। यहाँ से इसे लॉक है अनलॉक कर लेना, यहाँ सिंबल बना होता है। उसके बाद में यहाँ आप एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन पा जाएंगे, इसमें जाइएगा और यहाँ HUE करके सैचुरेशन का एक ऑप्शन दिया है, उसमें जाइएगा और यहाँ से ये जो कलर दिया हो, जैसे ये रेड कलर है, इस रेड कलर पे क्लिक करके यहाँ मास्टर्स में आके रेड पे क्लिक कर देना और यहाँ से इसके जो रेड को है, इसको जो है रेड को है डिसेबल कर देना, ठीक है। उसके बाद में इसको हम ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने आसानी से रिमूव हो चुका है एक ही क्लिक में। अगर आपको लग रहा है कि अभी ये और है तो एक बार फिर से आप क्लिक कीजिएगा, जिस भी पार्ट पे लग रहा है आपको थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा और यहाँ से जो है मास्टर में आके वही कलर जो है, जैसे कि रेड था ये, तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे, ये पूरी तरीके से हट जाएगा। ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एक लेवल का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही लेवल में जाइएगा आप 3 पॉइंट पर जाके यहाँ से जो है आपका जो भी लगेगा या सेकंड पॉइंट पे चूज करके ये जो है कलर को जो है यहाँ से लेवल को हम मिला देंगे, ये एकदम पूरी तरीके से रिमूव हो जाएगा यहाँ से। यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा बहुत ही आसानी से। अगर आप इस फॉन्ट को कलर वगैरह देना चाहते हो तो वो भी आप बड़े इजीली कर सकते हो। आप देख सकते हो ये कितने आसानी से रिमूव हो चुका है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले लेयर पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि जो थी हमारी लेयर पहले से ज़्यादा ही रिमूव हो चुका है, हालांकि इसका कलर सब नहीं दिख रहा है, वरना हम इस पर जो है और भी चेंजिंग कर सकते थे। इसके वाटर मार्क में हम जो है और भी इसको हटा सकते थे, ये हट जाता ये कुछ इस तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।